हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन एक सवाल देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका एफ की पावर -3/5 ब्रैकेट, इसके ऊपर आपका वर्गमूल चिन्ह है और यहाँ पे 5 लिखा है, उसके बाद में ब्रैकेट और है -5/3, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट है, उसकी घात आपको 5 दे रखी है। इसको हल करने के लिए आपको घातांकीय नियम आने चाहिए। घातांकीय नियम देखिए कितने, 1, 2, 3 और 4 है। अगर a की घात m ब्रैकेट में एक n है तो इसको क्या लिखेंगे, a की घात m into n लिख देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। और कभी कभार जो आपको ऐसा सॉल्व करते हैं कि a की घात m डॉट n लिखा है, तो डॉट का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। दूसरा नियम है कि a की पावर m और a की पावर n है, तो जब घाता आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें क्या होती है, यहाँ पे जो पावर होगी घात होती वो जुड़ती है, तो क्या हो जाएगी, घात m प्लस n हो जाएगी। तीसरा नियम है, आधार a है और दूसरा ये b है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आधार समान होने पे आधार a लिखेंगे और घातों को जो भी घात है आपकी 2, 3, 4, 5 वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसका दूसरा मॉडिफिकेशन करता हूँ, x की घात 5 है यहाँ पे और दूसरी x की घात यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 5 माइनस 3 होता है, या m कितना है, 5 है और n कितना है, 3 है, ठीक है। और किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने में एक दूसरा कंसेप्ट भी लगेगा, जैसे यहाँ पे ये वर्गमूल का चिन्ह है, किसका है, रूट का चिन्ह है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 1/2, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपका ये वर्गमूल का चिन्ह बना होता है और ये क्या होता है, अगर इसके ऊपर जो संख्या यहाँ 3 लिखी है तो इसकी क्या करते हैं, पावर में भेज देते हैं, किसमें भेज देते हैं, पावर में भेज देते हैं, बट्टा में 1/3 हो जाएगा। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो x की पावर 1/5 हो जाएगी। ये नियम आपको याद है तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। करते हैं इसको, देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो इसका ये संख्या आपकी एक्स की पावर -3/5 लिख दिया, ठीक है, बीच वाली संख्या। अब इसको मेरे को रूट को हटाना, जैसे ही मैं इसको रूट को हटाऊंगा तो क्या, अभी मैंने समझाया था आपको, जैसे ये रूट को हटाएंगे तो ये क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ठीक है, ये संख्या तो यहाँ पड़ी है और 5 वाली संख्या को मैं 1/5, उसके बाद में आपकी पावर क्या है, 5/3 है, उसके बाद में ये बड़ा कोष्टक ले लिया आपने और इसकी पावर कितनी है, 5 है। अब सब कोष्टकों को हटा दीजिए, सब जो आपके ब्रैकेट है छोटा छोटा मझला और ये बड़ा, सब कोष्टकों को हटा दीजिए। देखिए तो -3/5, मैंने क्या बोला था, आधार समान हो तो सब जो भी घातें होती वो क्या आएगी, गुणा में आएगी, किस में आएगी, गुणा में, तो क्या आपका -3/5 फिर गुणा आ जाएगा। देखो इसके बाद हटा दिए क्या बनेगा, 1/5 ये आ गए गुणा, उसके बाद में देखो ये हटेगा तो क्या आएगा, -5/3 और ऊपर संख्या क्या है, 5 है, तो ये क्या लिखेंगे, 5/1 लिख सकते हैं। अब देखो इसको काटो, इस 5 से ये 5 कटेगा, इस 5 से ये 5 काट दो, ये 3 से ये 3 कटेगा, ये कटेगा क्योंकि ये संख्या गुणा में है, अगर प्लस माइनस होता तो नहीं कटती, ठीक है। तो बचा क्या, देखो x की घात यहाँ पे -1 गुणा 1 ये गुणा में है और -1 और ये गुणा, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा सब क्या होता, 1 ही होता, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो x की पावर कितनी आ गई, 1, और x की पावर 1 का मतलब क्या होता, x ही होता है। बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आया आपको, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और पसंद कीजिए। धन्यवाद।